आईपीएस लिपि सिंह की दहाड़। बाहुबली विधायक अनंत सिंह फरार। कानून से लुका छुपी खेल रहे बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आखिरकार दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन उन पर कानून की नकेल कसने का रास्ता यूं ही नहीं साफ हुआ। बाहुबली को भीगी बिल्ली बनाने का क्रेडिट जाता है बिहार की लेडी सिंघम को। लेडी सिंघम की दहाड़ ने बाहुबली कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह की बोलती बंद कर दी। घर से AK-47 जैसे हथियारों की बरामदगी के बाद अनंत सिंह फरार थे और अब सरेंडर कर दिया गया है, तो इसके लिए युवा और निडर आईपीएस अफसर लिपि सिंह को वाहवाही मिल रही है। लिपि सिंह ने अनंत के आतंक के साम्राज्य की बुनियाद झटके में हिला दी। लिपि सिंह सीएम नीतीश के करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की बिटिया हैं। लिपि सिंह की चर्चा आज बिहार में हर ओर हो रही है, जिस अनंत की मनमानी के आगे पुलिस और सरकारी बेबस नजर आती थी वो लिपि सिंह के चुस्त दुरुस्त एक्शन के चलते ही कानून के कटघरे में खड़ा है। पिछले दिनों अनंत सिंह के गांव लदमा में छापेमारी की कमान आईपीएस लिपि सिंह ने ही संभाल रखी थी। इसी के बाद अनंत सिंह पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अनंत के घर छापे के दौरान AK-47 से लेकर कई हथियार बरामद हुए थे। इसी के बाद पटना में भी अनंत सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा, हालांकि अनंत सिंह वहां भी नहीं मिला। वहां से अनंत के सहयोगी कुख्यात अपराधी छोटन को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह और लिपि सिंह के बीच तनातनी की कहानी पुरानी है। लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिपि सिंह का बाढ़ एडिशनल SP से तबादला कर आतंक निरोधक दस्ते में करा दिया था। हालांकि इस दौरान नीलम देवी चुनाव हार गई। चुनाव खत्म होते ही लिपि सिंह एक बार फिर से बाढ़ के एडिशनल SP बना दी गई और फिर शुरू हुआ लेडी सिंघम का अनंत सिंह के साम्राज्य के खिलाफ हल्ला बोल। और अब वो कानून का सामना कर रहा है जहां तय होगा कि उसका रास्ता जेल में खत्म होता है या नहीं। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।